नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं यूट्यूब का टेक्नोलॉजी चैनल हिमेंटेक। हिमेंटेक में मैं आपको बताता हूँ टेक्नोलॉजी और साइंस के बारे में। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए फिर से एक नया अपडेट लेकर आया हूँ जो कि टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया का अपडेट है, जो कि मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको बहुत ही पसंद आएगा अगर आप जरा सा भी टेक्नोलॉजी साइंस में इंटरेस्ट रखते हो तो। वैसे तो न्यूज बहुत सारे होते हैं, खबर बहुत सारी होती है, अपडेट्स भी बहुत सारे होते हैं, बट ये बहुत ही चुने हुए चार अपडेट्स हैं जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आपको जानने चाहिए। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। दोस्तों पहला जो अपडेट है वो है व्हाट्सएप की तरफ से आ रहा है। व्हाट्सएप का जो नया अपडेट आने वाला है, जो नया वर्जन आने वाला है, उसमें बहुत ही कमाल की चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि आप सपोज किसी को यूट्यूब का लिंक अगर पोस्ट करते हो या फिर शेयर करते हो तो उसमें लिंक दिखता है और एक थंबनेल दिखता है। ओके, शायद आपने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो आगे से आप जब भी यूट्यूब के लिंक को प्रेस करोगे तो आपको यूट्यूब का पूरा वीडियो है वो व्हाट्सएप के अंदर ही प्ले होने वाला है। ये नई खबर आई है। पहले क्या होता था कि जैसे ही आप लिंक को प्रेस करते थे तो यूट्यूब का ऐप ट्रिगर होता था और ऐप के थ्रू वीडियो प्ले होता था, बट इसके आगे ऐसा नहीं होने वाला है। तो जो भी नया अपडेट आने वाला है उसमें ऐसा ही होने वाला है। आप पूरा का पूरा वीडियो यूट्यूब का व्हाट्सएप के अपने मैसेजिंग चैट बॉक्स में, चैट लिस्ट में आप देख सकते हो, चैट विंडो में आप देख सकते हो। आपको कहीं भी दूसरा ऐप खोलने की जरूरत नहीं है और उसको आप रिसाइज भी कर सकते हो पिंच कर करके, और उसको विंडो में प्लेस भी कर सकते हो, जहां चाहे वहां अपना चैटिंग चालू रखते हुए विदाउट पॉज और स्टॉप किए हुए। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की न्यूज और बहुत ही फायदेमंद हम सबों के लिए। और दोस्तों दूसरा जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है अमेजोन की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, अपना अमेजोन, amazon.com वाला अमेजोन। एक्चुअली जैसा कि आप जानते हो कि अमेजोन शॉपिंग एक वेबसाइट है, इंडिया में भी है और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी है, बट शायद आपको ये बात नहीं पता हो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है अमेजोन, जो कि सर्वर्स में है और बहुत ही क्लाउड कंप्यूटिंग में है और बहुत ही पहुंची हुई कंपनी है, एक इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही जानी मानी कंपनी है। तो दोस्तों अमेजोन जो है वो एक नया ऐप डेवलप कर रहा है जो कि पूरा का पूरा चैटिंग ऐप होने वाला है, जो कि काफी ऐप्स को रिप्लेस करने वाला है। ओके दोस्तों, जो काम आपको एलो में होता है, फेसबुक मैसेंजर में होता है, व्हाट्सएप में होता है, वीचैट में होता है, SMS में होता है, वो सभी काम ये ऐप करने वाला है। और दोस्तों इसका नाम जो है वो बहुत ही मजेदार और बहुत ही सोच समझ के दिया गया है। इसका नाम है दोस्तों एनी टाइम। जैसे कि हम बात करते हैं व्हाट्सएप करना मुझे, ओके, तो अभी हम बात करेंगे एनी टाइम करना मुझे। ओके, तो दोस्तों है ना मजेदार नाम। तो देखिए दोस्तों कितना सोच समझ के ये नाम बनाया जाता है और नाम दिया जाता है किसी भी ऐप को, ताकि हर किसी के जुबान पे ये नाम रहे और पहुंचे। तो दोस्तों इसमें जो है आप फोटो भी शेयर कर सकते हो, वीडियो भी शेयर कर सकते हो और सभी चीजें SMS कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आपको जो जो नाम मैंने बताया वो सभी नाम जो सब चीजें कर सकती है वो पूरा का पूरा ये एनी टाइम कर सकता है। ओके, एनी टाइम, समझ रहे हो बात, एनी टाइम कर सकता है। तो दोस्तों बहुत ही यानी याद रखने लायक नाम है, बहुत ही मजेदार नाम है ये एनी टाइम। मुझे तो नाम बहुत ही पसंद आया दोस्तों। तो देखते हैं आगे चल करके अमेजोन हमारे लिए और क्या लाता है और इसमें ऐप में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और देखते हैं कौन पसंद करता है और कौन नहीं। मुझे दोस्तों बताइएगा कमेंट में कि आप इस तरह का अगर ऐप आपको रिप्लेस करे व्हाट्सएप को तो क्या आप उसको यूज करना चाहोगे या नहीं चाहोगे। और दोस्तों तीसरा जो अपडेट आ रहा है वो आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट जो है दोस्तों अपना माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐप डिजाइन किया हुआ है जो कि हमें इंटीरियर्स की डिजाइन, इंटीरियर्स की इंफॉर्मेशन देगा। सपोज हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, पार्किंग लॉट्स में जाते हैं, बड़ी बहुत बड़े ऑफिसेस में जाते हैं, जो बहुत सारी बिल्डिंग होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती है जिसमें बहुत सारे ऑफिसेस होते हैं, तो उसके अंदर की जो चीजें हैं, अंदर की इंफॉर्मेशन है, जो अंदर के रास्ते हैं, केबिन है, वो हमें नहीं पता चलते हैं। GPS जो है हमें रास्ते दिखाते हैं, गूगल मैप तो आप सभी यूज करते होंगे, तो GPS को तो हमें तो रास्ते दिखते हैं। कब दिखते हैं? जब हमें GPS का सिग्नल पूरी तरह से मिले, लेकिन जब हमारे ऊपर सीलिंग आ जाए, ओके, छत आ जाए, किस तरह का रुकावट आ जाए हमारे फोन के कम्युनिकेशन और GPS के सैटेलाइट के कम्युनिकेशन बीच में, तो ये GPS काम नहीं करता ठीक तरह से। तो दोस्तों अंदर जब हम जाते हैं किसी रूम के अंदर या किसी मॉल के अंदर तो GPS काम करना बंद कर देता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने ये ऐप डिजाइन किया है और इस पे काम भी चालू है। तो ये हमें अंदर की इंटरनल डायग्राम और इंटरनल इंफॉर्मेशन हमें देगा। तो ये जो कैसे संभव हुआ, ये न तो कोई टॉवर का इंफॉर्मेशन ले रहा है, न तो किसी वाईफाई का जो है इंफॉर्मेशन ले रहा है, न तो GPS का ले रहा है। ये जो इंफॉर्मेशन लेगा हमारे
चलने के ऊपर एक्सेलेरोमीटर का इनपुट लेगा और हमारे स्टेप्स को काउंट करेगा और इस तरह से वो डायरेक्शन को बनाएगा और डिसाइड करेगा। तो बहुत ही मजेदार चीज होने वाली दोस्तों, और ये कोई नया चीज नहीं, ये पहले भी हो चुका है, गूगल ने भी काफी इस तरह की चीजें की है। तो देखते हैं कि आगे चल के भविष्य में इसका कितना इस्तेमाल होता है और हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है। और दोस्तों चौथा जो अपडेट आ रहा है वो बहुत ही मजेदार का है, ये भी है हमारे माइक्रोमैक्स की तरफ से। दोस्तों माइक्रोमैक्स ने नया मोबाइल लॉन्च किया है कैनवस वन के नाम से। जी हाँ दोस्तों, कैनवस वन, कैनवस वन वही मिलता जुलता मोबाइल है जो कि शायद आप यूज भी कर रहे होगे, उस कॉन्फ़िगरेशन उस स्पेसिफिकेशन का मोबाइल शायद आप यूज भी कर रहे होगे आज के डेट में। तो इसमें मुझे तो बस प्राइस ही थोड़ा ठीक ठाक लगा, ओके, और इतना भी ठीक ठाक नहीं है, बस ठीक ठाक लगा, ओके। तो देखते हैं कि इसमें क्या रहता है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशन की। तो इसमें जो है ये 2 GB का रैम है, 16 GB का इंटरनल मेमोरी है, मीडिया टेप का प्रोसेसर है, MTK6737 का प्रोसेसर है जो कि क्वाड कोर है, और ये जो है 5 इंच की डिस्प्ले होने वाली है, 2.5D का कर्व ग्लास होने वाला है, और जो है इसकी बैटरी कैपेसिटी ये 2500 मिली एम्पेयर आवर की है, और कैमरा जो है 8 MP जो प्राइमरी कैमरा है, 5 MP सेकेंडरी कैमरा है। तो दोस्तों मुझे बताइए कि आपको मोबाइल कैसा लगा, और इसकी जो सबसे मजेदार बात है इसकी प्राइस वो है 6999, यानी कि 7,000 रुपये में 1 रुपया कम। तो दोस्तों मुझे बताइए कि आपको टेक्नोलॉजी और साइंस के अपडेट्स कैसे लगे। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी थे जानने के लिए, अगर आप टेक्नोलॉजी साइंस में इंटरेस्ट रखते हो तो। तो दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के अपडेट्स मिलते रहे, और दोस्तों बेल के आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, थम्सअप कीजिए, और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।